हिस्ट्री चैप्टर टू द अर्लीस्ट सोसाइटीज। द अर्लीस्ट सोसाइटीज में आप क्या समझते हो कि जो पुराने लोग जैसे सोसाइटी बनी हुई थी जैसे रहते थे उसको हम कहते हैं अर्लीस्ट सोसाइटीज। अब यहाँ पे हम स्पॉटलाइट देख लेते हैं। स्पॉटलाइट मेन फीचर्स ऑफ द लाइफ लेड बाय प्री हिस्टोरिक मैन, मीन्स पुराने लोग कैसे रहते थे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक एज आई थी, उस एज को हम कहते हैं स्टोन एज। उसकी थ्री डिविजन्स की गई थी, मीन्स थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उस स्टोन एज के बारे में बताया गया है। उसके बाद वहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे उसके बारे में बताया गया है, और किस तरह के लोग वहाँ पे कल्चर किस तरह का था। डेक्कन प्लेट्यू मीन्स जो आपका इंडिया का बीच वाला पोर्शन है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह से वो लोग रहते थे इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इवोल्यूशन फ्रॉम एप मैन टू मॉडर्न मैन। एप मैन मीन्स जो मॉन्कीज की तरह लगते थे, मीन्स पहले जब स्टार्ट हुई थी ना लाइफ, तब जो लोग थे वो इस तरह से ऐसे दिखते थे, मीन्स वो आधे इंसान थे और आधे जानवर की तरह थे। ओके, सो इट वॉज अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो दैट मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये 1.5 मिलियन साल पहले की बात है जब पहली बार अर्थ के ऊपर इंसानों ने जन्म लिया। द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इंडिकेट दैट दे वर एप मैन। तो जब हम उस मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स मीन्स जो मिट्टी के अंदर खाद है और जो मिट्टी है उसको जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो जो लोग थे वो एप मैन थे। एप मैन मीन्स जो आधे एप्स की तरह दिखते थे, मॉन्कीज की तरह, और आधे वो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखते थे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते थे, एंथ्रोपॉइड्स। सो एंथ्रोपॉइड्स आर मैन लाइक एनिमल्स। तो ये एनिमल्स होते थे जिनकी शक्ल मैन की तरह होती थी। ओके, एंथ्रोपॉइड्स टुक मेनी ईयर्स टू इवॉल्व इन टू मॉडर्न मैन। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द एप मैन वर। तो ये जो एंथ्रोपॉइड्स थे ये काफ़ी सालों के बाद इनकी शक्ल जो थे वो ह्यूमन बींग्स की तरह बनी, पहले नहीं थी। ओके, तो क्या क्या फीचर्स थे जो इनमें हम देख सकते थे तब पुराने जमाने में। ही कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधे चल नहीं सकते थे। आपने देखा यहाँ पे कैसे वो बेंड है। देन ही हैड अ लॉट ऑफ हेयर ऑल ओवर हिज बॉडी। नाउ यू कैन सी कि पूरे बॉडी में हेयर्स हैं। देन ही कुड नॉट होल्ड थिंग्स प्रॉपरली, और वो ठीक से थिंग्स को पकड़ भी नहीं सकते थे। ही ग्रेजुअली लर्न टू स्टैंड अप बट स्टिल वॉक विथ अ शिफ्टिंग गेट। गेट मीन्स चलने का स्टाइल, मीन्स वो कोशिश करते थे सीधा खड़े होने की बट वो नहीं कर पाते थे। विद दिस हिज ब्रेन बिकम बिगर वाइल हिज जॉज श्रैंक कंसिडरेबली। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके जो ब्रेन था वो बड़ा होने लगा और उसके जो जॉज थे, मीन्स उसका जो मुंह था वो अंदर की तरफ घुसने लगा, ठीक है, धीरे धीरे। इवेंचुअली ही बिगेन्स टू रिजेंबल मॉडर्न मैन हु आर कॉल्ड होमो सैपियंस। और धीरे धीरे अब देखो यहाँ पे उसका सिर कितना छोटा है और उसका जॉज जो है वो कितने बड़े हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये जॉज जो है वो अंदर जाने लगे और जो मॉडर्न मैन बना उसका मुंह बिल्कुल साफ हो गया और हेड बड़ा हो गया। तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न मैन को होमो सैपियंस। ड्यूरिंग दिस इवोल्यूशन मैन अंडरवेंट मैनी फिजिकल एंड सोशल चेंजेस। हिज लाइफ स्टाइल चेंज अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरमेंट। और धीरे धीरे फिर उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने लगी। तो इस स्टेज को हम कहते हैं स्टोन एज। ओके, स्टोन एज मीन्स यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने स्टोन के साथ आप अपना काफी गुजारा किया था। द स्टोन एज व्हेन मैन स्टॉप्ड लिविंग ऑन ट्रीज, ही नीडेड फूड टू फीड हिमसेल्फ एंड ऑल्सो सम इम्प्लीमेंट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। आपको पता है कि पहले जो लोग हैं पुराने अर्ली मैन जो होते थे वो ट्रीज के ऊपर रहते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने खाना खाना सीखा और धीरे धीरे उन्होंने बचाने की कोशिश भी की कि किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को बचा भी सकते हैं और किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को खा सकते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। ही यूज स्टोन्स विच वेर अवेलेबल इन प्लेंटी टू मेक वेपन्स। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने स्टोन्स की हेल्प ली। आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, देखो किस तरह से वो स्टोन की हेल्प लेकर स्टोन के साथ नई चीजें बना रहा है, ठीक है। तो उसने धीरे धीरे वेपन्स बनाए। वेपन्स मीन्स जो टूल्स, जैसे आपकी हथौड़ी हो गई, आपके चम्मच हो गए, ठीक है। तो इस तरह से वेपन्स बनाए उसने स्टोन को शेप दे देकर। तो इस एज को हम स्टोन एज कहते हैं। ओके, सो स्टोन एज जो है वो आपके तीन हिस्से में डिवाइड है। पहली है पैलियोलिथिक एज, दूसरी है मीजोलिथिक, एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक।
पैलियोलिथिक में ये ओल्ड एज है, 5,000 BC के करीब। मिजोलिथिक जो मिडिल स्टोन एज है, और नियोलिथिक जो न्यू स्टोन एज है। तो पैलियोलिथिक में हम देखते हैं, सबसे पहले पैलियोलिथिक मैन लेड अ लाइफ ऑफ नोमड, तो यहाँ के जो लोग थे उनको हम नोमड्स कहते थे, ओके। इसके बाद आएगी आपकी मिजोलिथिक, मिजोलिथिक की जो लाइफ है वो हंटर और गैदर वालों की थी। और बाद में आएगी आपकी नियोलिथिक, नियोलिथिक आपके न्यू चैप्टर में आएगा। यहाँ पर जो लोग थे वो एक बाकी एग्रीकल्चर वाले काम भी कर लेते थे, ठीक है। इनका काम क्या होता था, इन्होंने प्लांट्स उगाने हैं और एनिमल्स को डोमेस्टिक रखना है, ठीक है। विलेज बनाते थे वो लोग, घर बनाया था इन्होंने। तो न्यू स्टोन एज में ये सारा कुछ चलता था। सो दीज आर द थ्री एजेस, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक, जो आपने आगे पढ़ना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।